नमस्कार मित्रों, जय हो गणपति महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 जुलाई बुधवार आपके राशि के महाराशिफल के बारे में कि 5 जुलाई बुधवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, इस दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा, और साथ ही जानेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार, जो कि भगवान गणेश जी का पावन दिन है। तिथि की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि 10:02 तक रहेगा और इस दिन श्रवण नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजित मुहूर्त का समय, तो दोस्तों आज के डेट में कोई भी शुभ समय नहीं है। राहु काल की बात करें तो दोपहर 12:31 से 2:11 तक रहेगा। दोस्तों, इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें, नहीं तो कार्यों में विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की जो स्थिति है वो मकर राशि में संचार करेगा पूरे दिन रात। आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, सितारे कहती हैं आज का दिन आपके लिए नई संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने करीबियों से कोई उपलब्धि पाने के सफल में रहेंगे। यदि आपने किसी जोखिम भरे काम में हाथ डाला है तो वो आपको समस्या दे सकता है। यहाँ पर आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। जल्दबाजी करेंगे या फिर आलसी करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने खान पान में सात्विक भोजन को रखें, नहीं तो आपको कोई पेट संबंधित समस्या हो सकती है। किसी काम में यदि लापरवाही की तो आपके लिए समस्या लेकर आ सकता है। जी हाँ, वैसे तो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप लापरवाही करती हैं तो दिक्कत होगा। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक प्रयासों में आप अनुशासन रखेंगे और सबका साथ में सहयोग बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के विवाह में आ रही बाधा दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करना, नहीं तो कोई गलती हो सकती है। जीवन शैली में सुधार आएगा, आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे। आपका कोई विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, जी हाँ, जिनसे आपको बचने की पूरी कोशिश करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आप माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकती हैं, जिसमें आपको खुशी होगी। लेन देन संबंधित मामलों में आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो दिक्कत होगा। खासकर अगर आप धन दौलत रुपये पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से मनमुटाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा, अगर वाद विवाद एक दूसरे के बीच हो रही है तो तीसरा व्यक्ति उसमें दखल अंदाजी ना होने दें। जी हाँ, करीबियों के साथ आप कुछ आनंद भरे पल व्यतीत करेंगे। करियर को लेकर परेशान चल रहे लोग कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, समन्वय की भावना आज आपके अंदर बनी रहेगी। बड़ों की सलाह पर चलने से आप किसी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ देगा। विद्यार्थियों ने यदि किसी परीक्षा को दिया था तो उनके परिणाम आ सकते हैं। आपका कोई मित्र आपके लिए निवेश संबंधित सूचना लेकर आ सकता है, लेकिन निवेश करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। बिना सोचे समझे आप कोई भी कदम ना उठाएं, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। जी हाँ दोस्तों,
एक बात हमेशा याद रखना, सोच समझ कर लिया गया फैसला कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता है। जी हाँ, माना कि एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप किसी से अहंकार भरी बातें ना करें, और आपके अंदर आज एक्स्ट्रा एनर्जी रहने के कारण आप इसे इधर उधर कामों में लगाकर व्यर्थ ना करें। जी हाँ, कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में भी आप रुचि बनाए रखेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप संकीर्णता व स्वार्थ का त्याग करके आगे बढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए कुछ चुनौती भरा रहने वाला है। आपको सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में नाकामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं, वो इंसान एक दिन अकेला हो जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। यदि घर परिवार में आपने किसी से कोई वादा किया हुआ है, तो आप उसे पूरा अवश्य करें। माता पिता को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकती हैं। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को कुछ जन संभावनाएं करने का मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आर्थिक रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा, और जिन जातकों के बीच वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश बार बार बन रहे थे, उन सभी प्रकार की समस्याओं से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। जी हाँ, यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है, इससे आपको बहुत ही खुशी होगी। आपका मान सम्मान बढ़ने से आपको अहंकार नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अहंकार भगवान का आहार होता है, ये बात आप सभी को पता ही है। वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप बोलने में सावधानी रखें और ऐसी वाणी का प्रयोग करें जिससे कि दोस्तों एक दूसरे को बहुत अच्छा लगे। आपके घर अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। जीवन स्तर में सुधार आएगा। आपको किसी के साथ कोई साझेदारी करने से बचना होगा। जी हाँ, नहीं तो आज आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने सीनियर से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई समस्या चल रही है तो आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए शांतिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि लेकर आने वाला है। जी हाँ, और आपको मामा पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रही है, और आधुनिक विषयों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। आपको किसी श्रेष्ठ कार्य में जुड़ने का मौका मिलेगा। आपकी दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलने से आप प्रसन्न रहेंगी। घर परिवार में सदस्यों में किसी बात को लेकर बेवजह कहासुनी हो सकती है। आप किसी बाहरी व्यक्ति से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो यहां पर आपको दिक्कत होगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पर्सनल बात क्यों ना हो, आपका अपना ही क्यों ना हो, करीबी क्यों ना हो, आप किसी को भी शेयर ना करें जब तक आपका काम बन नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आज आपको अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं खर्चे आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही खर्चे आपके चलते रहे तो एक दिन आपको आर्थिक समस्या हो सकती है, पैसों को लेकर तंगियां बढ़ सकती है। इसलिए दोस्तों, खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें, और आपको उतना ही खर्च करना है जितना आपको जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, जरूरत से ज्यादा अगर आप खर्च करेंगे तो एक दिन आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो
तो आज आपका शुभ रंग है आसमानी कलर और शुभ अंक है 6। भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 81%। तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। माता रानी आपको हमेशा